Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जहां एक तरफ भेड़िया और सियार के आतंक से अभी उत्तर प्रदेश जूझ ही रहा था, वहां एक गुलदार ने भी आतंक मचा रखा था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक गुलदार जो कि 28 मौतों का तांडव मचा चुका था, उसे लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि आदमखोर गुलदार को आखिरकार पकड़ लिया गया। दरअसल यहाँ पिछले कई दिनों से हर दिन गुलदार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। अभी तक उसके हमले से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब इसे पकड़ लिया गया है। बता दें कि गुलदार को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत थी। ग्रामीणों के अंदर गुलदार को लेकर लगातार खौफ बढ़ता ही जा रहा था। उसके हमले के चलते ग्रामीण इतने परेशान थे कि एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन को ही रोक दिया था। इस घटना के बाद वन विभाग और जिला प्रशासन हरकत में आया और गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में लगातार उसे पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए। अब एक गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। दरअसल बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव रामनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार आ गया। यहाँ वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया था, जिसमें वो फंस गया। गुलदार के पिंजरे में कैद होने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को पता लगी, तभी ग्रामीण जमा होकर गुलदार को देखने के लिए घटना स्थल पर पहुंच गए। अभी आज हम लोगों ने ये रामनगर गांव पड़ता है अफजलगढ़ विकास खंड में नगीना रेंज के अंतर्गत, वहां से गुलदार का रेस्क्यू किया है। यहां से लगातार हमें सूचना मिल रही थी, उसके क्रम में हम लोगों ने सक्षम स्तर को अनुमति प्राप्त करके केस लगाया था, जिसमें ये सुरक्षित गुलदार आ गया है और ये हमारा क्लस्टर वन है। इसी प्रकार से हमारे जो अन्य क्लस्टर है उनमें भी हम लोग लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और वहाँ से गुलदार को रेस्क्यू करके उनको जो है सुदूर वन क्षेत्रों में। अभी तक कितने गुलदार आपने रेस्क्यू कर लिए हैं और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इस वर्ष हम लोगों ने अभी तक 20 गुलदार रेस्क्यू कर लिए हैं और आम जनमानस से हमारा यही अपील है कि जो वर्तमान में इसमें गन्ना काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ एक ट्रेडिशन है कि लोग जो है गन्ने के खेतों में उसकी पत्तियाँ उतारने के लिए जाते हैं, तो इस दौरान हमारा उनसे अनुरोध है कि समूह में जाएं, रेडियो ट्रांजिस्टर बजाते रहें, मोबाइल बजाते रहें या कम से कम उसमें काम करने से पहले हाँका जरूर लगाएं और इस दौरान कभी भी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को और बच्चों को अपने साथ में नहीं रखें। ज़्यादातर जो भी मानव गुलदार संघर्षी घटनाएं हुई हैं वो गन्ने के खेतों में चारा लेते समय या गन्ने की पत्ती उतारते समय घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमारा आम जनमानस से अपील है कि जब भी वो चारा लेने के लिए गन्ने की पत्ती उतारने के लिए जाते हैं तो समूह में जाएं और अपने साथ कम से कम दो व्यक्ति तो जरूर रहें और रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल आदि बजाते रहें। आपको बता दें कि गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्रीय लोगों में काफी खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों के बीच गुलदार का जो खौफ था वो भी कम हुआ है। पकड़े गए गुलदार का रेस्क्यू भी वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक किया है। बिजनौर से ऋतिक राजपूत की रिपोर्ट, यूपी तक।